दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। लुधियाना के किप्स मार्केट में मातड़ साथी जागृति मंच की ओर से एसिड अटैक पीड़िता हरप्रीत कौर को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। उल्लेखनीय है कि 7 दिसंबर 2013 को लुधियाना के पौश इलाके सराभा नगर के ब्यूटी सैलून में शादी के लिए तैयार होने आई हरप्रीत कौर पर एसिड अटैक हुआ था, जिस दौरान वह बुरी तरह जख्मी हो गई थी और 26 दिसंबर 2013 को उसकी मौत हो गई थी। इस संबंधी मातड़ साथी जागृति मंच के कीमती रावल ने बताया कि ये कैंडल मार्च हरप्रीत कौर को श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए निकाला गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसिड अटैक करने वालों पर सख्ती करने के लिए कड़े से कड़े नियम लागू करने चाहिए। 7 दिसंबर 2013 को साडे इत्थे लुधियाना शहर विच लैक्मी पार्लर सी, उत्थे एक लड़की तैयार होण आई सी, उहदी शादी सी, लेकिन कुछ दरिंदियां ने उस लड़की की जिंदगी नूं नरक बना लई, उहदे ते तेजाब छिड़ के उहनूं मार दिता। 26 दिसंबर 2013 नूं बंबई दे विच उहदी मौत हो गई अते अज एक साल हो गया है उहदी मौत नूं। फास्ट ट्रैक कोर्ट ते केस चल रहा है। मेरी सरकार नूं ये बेनती है कि जिहड़े बॉम्बे मुंबई डॉक्टरां दी जो गवाहियां रहिंदियां हन अते जो भी केस दे विच जो कमियां हन, सरकार पंजाब सरकार नूं चाहिदा है कि उस केस दी चंगी तरह पैरवाई करके उस नूं उहनां दरिंदियां नूं सज़ा दित्ती दवाई जाए।